Welcome back to my channel, The Ambari. Assalamualaikum, कैसे हो आप सब? इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ टाइन आर्ट बॉटम डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ऊपर से कैप्री को स्टिच कर लिया हुआ है। सबसे पहले मियानी वाली सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों साइड की, उसके बाद ऊपर नेफे को जितना आपने नेफे के लिए कपड़ा रखा हुआ है उसको अंदर फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। इसके बाद नीचे लेंथ देखेंगे। लेंथ हम जब भी टाइन आर्ट डिज़ाइन बनाएं हम लेंथ से हाफ इंच कम रखेंगे, तैयार लेंथ से। अगर मैंने तैयार साइज़ यहाँ पे 35 रखना है तो मैंने हाफ इंच यहाँ से कम रखा है, एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए नहीं रखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 3 इंच इसको कट लगा के यहाँ पे कट बनाएंगे। तो 3 इंच पे निशान लगा के मैं मिड से इसको कट कर लूँगी। कट लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल मिड में कट लगाया है 3 इंच का। कट आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं और इससे कम भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितना आपने कट बनाना है उतना रख सकते हैं। तो अब इसके बाद इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच कट है तो उससे मैंने 4 इंच इस कपड़े की लंबाई रखूँगी और इसकी चौड़ाई 2 इंच होगी। 4 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। अगर आप 4 इंच का कट रखेंगे तो आप 5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। आप देख सकते हैं 1 इंच इससे ज़्यादा है कट से। अब इस कपड़े को कट के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को मैंने कैप्री की नीट साइड पे रखा है और इसको टर्न करके अब हम रफ साइड पे हैं, यानी उल्टी साइड पे हैं। तो ये जो कपड़ा हम नीचे लगाएंगे इसका मिड कर लें। तो मिड या तो मशीन से करेंगे और प्रेस से भी कर सकते हैं, नहीं तो चॉक लें और फोल्ड करके, तो इसको ये देख सकते हैं आप, इस पे लाइन आ चुकी है। इसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिंगल फुट की सिलाई लगेगी और किनारे से हम 2 कोने नहीं बनाएंगे, यहाँ से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे इसको। यहाँ से पक्का करके इसको शुरू करेंगे। और यहाँ से थोड़ी सी हल्की गोलाई की शेप करके मिड में आके तो फिर वापस इसको नीट करके सिलाई लगाएंगे। पक्का करके इसको ख़त्म करके अब इसको दरमियान में से कट लगाएंगे। जितना पहले कट लगाया हुआ है उतना ही कट लगा के, तो अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे कि इसको टर्न करने में हमें आसानी हो। अब इसको फोल्ड करके नीट साइड, तो नीट हो चुकी है, ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है ये रॉन्ग साइड पे चला गया है। तो इसको प्रेस से भी नीट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कर लेने के बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं। सारे को डबल फोल्ड करके तो इसको अच्छे से नीट कर लें। अब यहाँ पे आप जिस शेप की आपने पहले सिलाई लगाई है उसी शेप में सिलाई भी लगा सकते हैं, और जो किनारे अब बने हैं अब किनारे भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे किनारे नहीं बनाए, जो जिस शेप में पहले सिलाई लगाई थी उसी शेप में दोबारा से सिलाई लगाई है, जो डबल फोल्ड करके लगाई है। कट को तैयार कर लेने के बाद ये कुछ इस शक्ल में अब नज़र आ रहा है। इसके बाद इस पर पट्टियाँ लगाएंगे। पट्टियाँ एक पंचे पे 2 पट्टियाँ लगेंगी, यानी कि 2 कुंचों पे 4 पट्टियाँ। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 17.5। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 इंच लंबाई भी रख सकते हैं और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। 2 पट्टियाँ लगेंगी एक पंचे पे, तो इनकी फोल्डिंग करेंगे। 3 इंच हम 1 इंच पे लेके आएंगे। पहले इसको साइडों से एक दफ़ा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच,
दोनों साइडों से। हाफ इंच की फोल्डिंग करके इसको प्रेस कर लेंगे कि इसकी तह बैठ जाए। अब इसके बाद इसको एक और दफ़ा फोल्ड करेंगे अब सारी पट्टी को। अब ये पट्टी एक इंच हमारे पास तैयार है। इसका किनारा एक साइड से बनाएंगे हाफ इंच की फोल्डिंग करके, जो दरमियान वाली जो तय बनी हुई है उतना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको टाई की शक्ल इसको बना के तो इसको फोल्ड करके यहाँ पे इसको तिरछी शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे इस पे लगेगी। अब दूसरी साइड के लिए पट्टी को तैयार करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने हाफ इंच दोनों साइडों से फोल्ड करके इसको ऊपर फोल्ड कर लिया है और ये एक इंच तैयार हो चुकी है। अगर आपको किनारे से फोल्डिंग करना नहीं आई, समझ नहीं आई, तो इस पर मैं दोबारा से कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। हाफ इंच मैंने फोल्ड किया है, उसके बाद एक साइड से और फिर दूसरी साइड से जो दरमियान वाली तय है उससे बराबर करके। अब इसको बंद करके तो ये तिरछा कोना बना लेंगे। ये पट्टियाँ आप कैप्री के कलर की भी बना सकते हैं उसके बिल्कुल साथ ही, लेकिन मैंने अलग चेंज कपड़ा लिया है, तो ये बना लेने के बाद अब इनको स्टिच करेंगे। तो पट्टी को अब एक साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शुरू में कहा था कि हाफ इंच कपड़ा हम कम रखेंगे, तो हाफ इंच कपड़ा, अब ये एक इंच पट्टी है, हाफ इंच इसके अंदर जाएगा और ये हमारी कैप्री की लेंथ को पूरी कर देगी। हाफ इंच अंदर जाएगा और हाफ इंच हमारा पट्टी से आएगा और लेंथ पूरी हो जाएगी। तो अब ध्यान रहे कि आपका पट्टी वाला कपड़ा नीचे से भी सिलाई में आए, और इस सिलाई को लगाते हुए हम इस पट्टी को पूरी को स्टिच करेंगे बराबर करके। इसकी दोनों नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों तहों को बराबर करके ये किनारे तक इस साड़ी को मुकम्मल स्टिच कर लेंगे। इसको यहाँ पे पक्का करके तो छोड़ेंगे, यानी कि मैंने सिलाई को वापस लिया है और यहाँ से इसको पक्का कर दिया है। इसके बाद अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हाफ इंच कपड़ा कैप्री का अंदर जाए और इसको फोल्ड करके ऊपर इसको स्टिच करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो अगर मेरी वीडियोस को आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हम बराबर करके तो इसको पक्का कर लेंगे। इसी के साथ ये डिज़ाइन हो चुका है हमारा पूरा। अब इसको करेंगे, इसको नॉट लगाएंगे। इसके नॉट हम वैसे ही लगाएंगे जैसे कि हम तस्मे बांधते हैं। तस्मे बांधते हुए हमें शेप का ध्यान ज़रा नहीं रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारी पट्टियों की चौड़ाई है तो यहाँ पे शेप का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको बांध के तो इसको टाई की शक्ल हम जो हमने तैयार कर ली है वो वाली बना के तो इसको यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं, नहीं तो जब भी पहने इसको टाई बांधनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।